अस्सलाम वालेकुम बुशरा स्टूडियोज़ फैमिली, क्या हाल है आप सबका। सो आज का वीलॉग फोर्ट्रेस स्टेडियम जॉयलैंड के नाम, आज का वीलॉग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इससे मेरी बहुत सारी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। आप कह सकते हैं कि आज का वीलॉग मेरी बचपन की यादों के नाम। मेरे फादर, मेरे वालिद साहब जब हमें यहाँ पर लेकर आया करते थे, तो दोज़ डेज़, मैं 90s की बात कर रही हूँ, 80s 90s की, जब संडे यूज़ टू बी एज हॉलीडे और थर्सडे को ही वीकेंड स्टार्ट हो जाया करता था, और मेरे अबू हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होते थे हमें जॉयलैंड की राइड्स दिलवाने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब फोर्ट्रेस का जो ब्रिज है वो स्टार्ट ही होता था तो फोर्ट्रेस के झूले नज़र आने शुरू हो जाते थे, और समटाइम्स जब हम रात को आते थे तो हम वी यूज़ टू बी स्लीप एट द बैक ऑफ द कार, तो अबू हमें आवाज़ें दे दे के उठाते थे। इमराना बुशरा, इमराना मेरी बहन है, तो वो आवाज़ें दे के उठाते थे कि उठो उठो फोर्ट्रेस आ गया, और हम आँखें मलते हुए उठते थे कि हाँ भाई फोटोज़ आ गया और हम इंजॉय करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज का दिन कुछ ऐसे प्लान करूं कि मेरी बेटियों की जहन में भी ऐसी ही यादें बन जाएं, अच्छी यादें, मज़ेदार यादें, जिनको याद जिस तरह आज मैं कर रही हूं, कल को जब वो बड़ी होंगी तो वो याद करेंगी। लाहौर में अब ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं, ऐसे बहुत सारे फ़न जोन्स हैं, गेमिंग जोन्स हैं, प्लेडियम्स हैं, जहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बट फोर्ट्रेस जॉयलैंड आज भी एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल अपने उसी शक्ल में आज भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग आज का वीलॉग देख रहे होंगे और जितने भी लोग मेरी उस 80s और 90s के हैं, वो उनकी भी यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी यादें ताज़ा हुई और आपने भी क्या इस वीलॉग को उतना ही इंजॉय किया जितना मैं इंजॉय कर रही थी, बल्कि यहाँ पर अपने अब्बू को याद करते हुए मेरी बहुत बार आँखों में नमी भी आई। एक बार उनके लिए मगफरत की दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने ख़रीदना कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ अपने बच्चों को जॉयलैंड में झूले झूले दिलवाने थे, उनको राइड्स दिलवानी थी, मज़ा कराना था। सो फातिमा और ज़ारा को यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ एक्साइटेड द बोथ आर, दे जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स जॉयलैंड, फुल एक्साइटमेंट के साथ बढ़ा जा रहा है तेज़ी तेज़ी से, और मुझे मुड़ मुड़ के कहा जा रहा है कि मामा जल्दी चलें, जल्दी चलें, जल्दी चलें, इसलिए ताकि जल्दी से फन जो है वो स्टार्ट किया जा सके। और मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी, दे जस्ट वेविंग मी कि चले मामा अब बस कर दें और अंदर आ जाएं। और यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है उसकी 500 प्राइस थी टिकट की, सो उसके अंदर जितनी भी राइड्स हैं, चाहे वो हॉरर हाउस था या कुछ भी, वो सब का सब जो है वो इसके अंदर फ्री है, और आप बार बार रेपिटेशन में भी स्विंग्स ले सकते हैं जितनी बार मर्जी। सो यहाँ पर फन हो गया फाइनली स्टार्ट। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये डिस्कवरी झूला जो है किस किस ने लिया है और किस किस को ये लेना पसंद है और किसको बड़ा मज़ा आता है इस पे बैठ के। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर बच्चों ने सबसे पहले जो झूला स्टार्ट किया, पहले इसका नाम हिली गिली होता था, मुझे कमेंट करके बताइएगा अब इसका क्या नाम है। और आ गई टी टाइम, कप की बारी, और ये भी बताइएगा कमेंट में कि कितने लोगों की मेमोरी में आज भी टी टाइम के वो चक्कर याद हैं जो झूला लेते हुए अक्सर आ जाया करते थे। खैर बच्चों ने तो भाई फुल एक्साइटमेंट का यहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं, और मेरी भी पूरी कोशिश थी कि मैं इनको भरपूर फ़न करवाऊँ, और ये आ गया हॉरर हाउस। भाई मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपने जूनियर किडू से कि वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्केरी होने वाली है, शी विल स्क्रीम्ड एंड ऑल डैट, बट भाई अनएक्सपेक्टेडली उसने तो इतना फ़न किया, बल्कि उसने मुझे कहा मामा ये तो डमी है, ये स्टैचू है, ये स्केलेटन है, और मतलब शी वॉज टेकिंग लाइक ऑल द थिंग्स सो लाइट, क्योंकि जब वो स्केरी मूवी देखती है तो शी जस्ट पुट अ हैंड ऑन हर आईज और ऐसे चुपके चुपके देखती है, तो मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन एक्सपेक्ट कर रही थी। ऑल्दो कि ये कोई बहुत स्केरी नहीं है, बट यू नो बच्चों के लिहाज से हम फील करते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा डरेंगे या बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी होने वाली है अंदर, बट यहाँ ड्रामेबाजी की बजाय बहुत ज़्यादा फ़न किया गया, और जो कि एक अच्छा साइन था मेरे लिए। मुझे लगा मुझे उसे संभालना पड़ेगा, बट शी वॉज वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर मैं उसको आपको उसके फेस के ऊपर जो जेस्टर्स हैं बड़े प्लेजेंट से वो देखिए, स्माइल चेक कीजिए ज़रा माशाल्लाह। सो बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने यहाँ पर, और उसके बाद बच्चों ने लिया बम्पर कार्स, और बम्पर कार्स के बाद उनकी रिक्वेस्ट थी कि मामा हमें लास्ट झूला दिलवा दें क्योंकि हम 3 आवर्स यहाँ पर स्पेंड कर चुके थे। सो मैंने उनको हैंगिंग चेयर्स जो हैं वो दिलवाईं, और इन्होंने खूब इन्जॉय किया, खाया पिया, मस्ती की, दिल खोल के झूले लिए, मज़ेदार सी यादें बनाई अपनी,
और जी इसके बाद 3 घंटे यहाँ पर जिस तरह से मैंने इनके साथ गुजारे वो बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही यादगार थे। और यहाँ से हमें मूव होते होते बाहर निकलते निकलते 10 बज के, और 10 बजे यहाँ पर फोर्ट्रेस को देखिए जैसे हू का आलम है। लाहौर की रौनकें कोविड ने पूरी तरह से जो हैं वो डिस्टर्ब करके रख दी हैं। मेरी दुआ है कि वो रौनकें फिर से आबाद हो जाएं, फिर से लाहौर उसी तरह से रहे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और उम्मीद करती हूँ आज का वीलॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा।